So on your right, ma'am. On your right here. मुझे यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स पसंद आई है, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव है वो बहुत ह्यूज पेंटिंग्स है, बट एक वहाँ पे कॉर्नर में छोटे छोटे बॉक्सेस के एक बुद्धा की पेंटिंग है जिसके लीव्स बनाए ग्रीन येलो, तो मैं हमारे पेंटर साहब को वही कह रही थी कि मुझे वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बिकॉज बॉम्बे में हमारे घर इतने बड़े होते नहीं है कि हम इतने बड़े बड़े पेंटिंग्स को अकोमोडेट कर सकें, तो आई थिंक वो बहुत ईजी पेंटिंग है और वो एक ऐसी पेंटिंग है जो आप अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं, यू नो, क्योंकि छोटी छोटी है, आपको पता है कि किसी की भी दोस्त के घर में उतनी जगह तो होगी, तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न वाई आई लव दैट पेंटिंग, मैंने बहुत कलरफुल है और घर में पॉजिटिव वाइब देने वाली चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, कलर होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगे। जी, ओ माय गॉड, आपने भी नोटिस किया, मुझे लगा सिर्फ मैं ही नोटिस कर रही हूँ। मेरे पास अभी सीमा जी से कहा कि इतनी सारी गणेश की जो पेंटिंग है, मुझे हर गणेश में एक नया रिलीजन दिखता है, लाइक मुझे जैसे ये गणेश है, आई थिंक दिस लुक्स लाइक बालाजी गणेश जी, मुझे लगता है ये साउथ इंडियन गणपति जी है, मुझे एक पंजाबी गणपति, आई थिंक वो मेरा विजन है, क्योंकि इवन आई मैं भी बहुत सारी चीज़ों को विजुलाइज करती हूँ, मेबी मैं पेंटिंग में दाग नहीं करती हूँ, बट मुझे भी विजुलाइज करना अच्छा लगता है, तो आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दैट मेरा एक खुद का परसेप्शन हर पेंटिंग को लेके है, बट हाँ बहुत वैरायटी ऑफ गणपति डेफिनेटली यहाँ पे है। बहुत शौक है, देखिए ना मैं रोज़ अपने फेस को पेंट करती हूँ, ये भी तो एक आर्ट है, किसने कहा मुझे पेंटिंग नहीं आती है, मुझे बहुत अच्छी आती है। हर किसी का एक पेंटिंग का लिमिटेशन होता है, मेरा ये लिमिटेशन है, उनका ये लिमिटेशन है, ऑफकोर्स मैं इतने प्रोफेशनल पेंटिंग तो डेफिनेटली नहीं कर सक पाऊँगी, लेकिन मैं स्कूल में बहुत करती थी, पेंटिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मुझे 100 में से 99 मिलता था, तो मैं वो एक ही चीज़ में टॉपर थी अपने स्कूल में, और हर कोई मेरी बुक में से कॉपी करता था कि मैं आज क्या पेंटिंग करने वाली हूँ, और मुझे डेकोरेट करने का बहुत शौक़ था, पास्टल ये वो एक्स्ट्रा काम करने का, तो बचपन से पेंटिंग तो बहुत करती थी। नहीं 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 वो बचपन का शौक बचपन में ख़त्म हो गया, अब वो बुक से मेरे फेस पे आ जाता है। मुझे हर साल का बिग बॉस अच्छा लगता है, बिकॉज बिग बॉस मेरा बहुत फेवरेट शो हमेशा से रहा है, और 5 साल शो को देखने के बाद 6 ईयर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो शो का हिस्सा बनने के लिए, और मेरा जर्नी बिग बॉस में बहुत बहुत अच्छा रहा है, एंड उसके बाद भी बहुत लाइफ बहुत बदली है, तो मेरे लिए बिग बॉस मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, एंड आई रियली इन्जॉय हर साल का बिग बॉस, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, इम्पॉसिबल है वो घर एक्सपीरियंस कर चुका है, तो मुझे बुला ही नहीं सकते, अब तो हमको सारी ट्रिक्स पता है, तो ये बिग बॉस एक ऐसी चीज़ है जो बस आप एक ही बार जा सकते हो, वो मज़ा आपको दूसरी बार कभी नहीं आएगा, एज इट इम्पॉसिबल। अभी फिलहाल मैं एक रियलिटी शो वापस कर रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट है, और होप करती हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम से बहुत रियलिटी शोज आए थे मैंने काफ़ी, यू नो, बाद में अब ये मैंने कहा एक करके देखते हैं, कुछ नया भी हो जाएगा और क्या होता है, नहीं लाइक मैं आपको सब बता दूँगी तो मतलब फिर प्रोडक्शन कब बोलूँगा, मैं सब आपको अभी बता दूँ ताकि बोलो मुझे प्रमोट कर। पेंटिंग के जरिए मैं क्या देना चाहूँगी, मैं पेंटिंग के रेफरेंस में कहना चाहूँगी, जितनी कलरफुल पेंटिंग है प्लीज़ अपनी लाइफ भी इतनी कलरफुल बनाएंगे, लोग आएंगे जाएंगे जो आपकी लाइफ को ब्लैक एंड वाइट करना चाहेंगे, बट आप जो सोचते हैं उसमें कलर भरते रहिए, चीज़ों से कटना हो और खुश रहो, दैट्स इट।
और अपने चेहरे को भी पेंटिंग करते हैं, ये ब्यूटीफुल लगी है हमेशा। बेस्ट पेंटिंग आपको कौन सी लगी? अब ऐसा है कि उंगलियां तो पांच होती हैं, अभी जो बेस्ट उंगली कौन सी है तो बोल बताना बड़ा मुश्किल होता है। ये कल्पना है इन दोनों आर्टिस्ट की, बेसिकली ये मुझे तो लगता है इनका ये फर्स्ट जॉब है, सेकंड जॉब नहीं, लोग से जॉब समटाइम्स हॉबी कहते हैं, बट हॉबी लगती है। आपने बहुत बढ़िया काम किया है। थीम्स मैं अभी इनसे यही कह रहा था कि आर टोटली डिफरेंट, ऑल्सो फेरीज भी है, दैट इज समथिंग लाइक अ लेजेंड, और साथ में gods have been put also very nice, very good, very colorful, very different. sir, agar aapki baat kare to aap personally kis tarah ki paintings pasand karte hain, apne ghar pe lagana pasand hai? main zyada tar actually kehna mushkil hai kyunki main itna kala se all the time involved rehta hu ki agar main ghar jaau to fir wohi paintings dekhu, wohi dekhu to mujhe lagta hai ki main abhi bhi kisi film ke set mein hu, to mujhe kuch nangi deewarein hi nahi but कुछ बहुत प्लेजेंट मुझे आराम वो देता है जिसमें मुझे कुछ डिस्ट्रैक्शन हो। इसलिए मैं बाहर जब ऐसे एग्जीबिशंस में आता हूँ, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी उनके काम की मैं प्रशंसा इसलिए करता हूँ क्योंकि डिफरेंट रहता है। मैम आप मुझे बताइए कि आपके ओपनिंग के लिए सर आए हैं, सर कितने का इतना टाइम निकाल के आए हैं, तो मुझे तो मेरी पेंटिंग्स लगाना सफल हो गया, पेंटिंग्स लगाना सफल हो गया। इनकी बचपन से मूवीज़ देखती आ रही हूँ, बॉबी से सब, औरंगजेब सब सब मैंने देखी है, मुझे कहीं कहीं बार रिपीट करके देखी है, तो मेरे तो एग्जीबिशन ही सफल हो गया सर कहने से। बहुत बहुत मुबारक हो। पहले जो मैंने लोगों से ये कहा कि आज की तारीख में आपकी जो कला है बहुत होपफुली बड़ी सक्सेसफुल हो गया आपके लिए। I think Seema and Nitin, Seema especially, I love her fantasy paintings that she's done. They're beautiful. They give you an element of like, feel like you're, you know, in a romantic dream world. And I'm a huge romantic, so I think it's lovely what she's created. Especially like, a lot of her paintings have a lot of like Disney's, you know, the fairy tale. They're fairy tale characters. I think she's used a lot of those poses. So it reminds me of these Disney fairy tales. And you are also an artist, no? In the sense that you're an actor. Do you of also course. Dabble with painting? No, I do not dabble with painting at all because I have. I don't believe that I'm talented in that area. I believe my talents lie elsewhere. What else can we expect from Tanisha Mukherjee now? Well, you've seen me on television. You've seen me doing production. You've seen me doing film. So I think you can pretty much say very confidently that I will do something that's completely out of the box. Thank you.